नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदा विकेट आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता है कि आईटीबीपी में किचन सर्विसेज की भर्ती आ रखी है। एक्चुअली में एक नया पोस्ट बनाया गया है, 2022 में इसका सृजन किया गया था, 2022 में इसको बनाया गया था, मगर उस समय कोर्ट केस होने की वजह से इस वैकेंसी को नहीं ला पाए थे। मगर इस समय वैकेंसी आ रखी है, टोटल 819 पोस्ट निकल के आई है आपकी। और यहाँ पर आप सभी को पता है एक सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो हमारा है NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट होते हैं। अभी कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, और कहाँ से बनेगा वही बताने वाला हूँ। फेक मत बनवा लेना, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑनलाइन लोग हैं जो इसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपसे कहेंगे कि अब मैं बना देता हूँ। आप सबसे 500 रुपये, 1000 रुपये, कहीं कहीं 5000 रुपये भी आप सभी से ले सकते हैं। प्लीज ऐसे दलालों से आप बचना, मैं आपको सही तरीका सटीक तरीका बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को गाइडलाइन दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर NSDC की गाइडलाइन दिखाना चाहूंगा। ये एकदम ऑफिशियल गाइडलाइंस है, जिन्होंने खुद बताया है। अभी मई 2024 की बात है, इन्होंने नोटिस जारी किया था, जिन्होंने खुद बताया था कि यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का NSDC का लोगो वगैरह इस्तेमाल करके उस तरह से करके फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं। अभी आपको पता है कि BSF में जो ट्रेड्समैन भर्ती हो गए हैं, उन सभी को नौकरी से निकाला जा रहा है जिनका भी सर्टिफिकेट फेक था। तो मेरे भाई, इतनी तैयारी करने के बाद अगर नौकरी से बाहर हो गए तो घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे? तो इसका मत करना मेरे भाई, समाज में क्या दिखाओगे? तो गलत सर्टिफिकेट मत बनाओ ना, मैं सर्टिफिकेट सही बनाने का तरीका आपको बताने वाला हूं वीडियो में, ठीक है? तो ये पूरी गाइडलाइंस जारी की गई थी, और यहाँ पर ये भी बोला था कि अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये उन्होंने नंबर्स वगैरह भी दिए थे और ईमेल आईडी वगैरह भी दी थी, यहाँ पर वेबसाइट भी दी थी, जिसके जरिए आप सभी कंप्लेन भी कर सकते हो अगर कोई फेक बना रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें देख लेना मेरे भाई, आप सभी से लिखा गया है, इफ यू बिलीव दैट यू हैव अ विक्टिम और मैनी सच फेक सर्टिफिकेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्रोच द लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी, यानी कि बोला गया लॉ वगैरह यानी कोर्ट वगैरह जा सकते हो, जहां पर भी कोई दिक्कत है अगर आपको फेक सर्टिफिकेट बना, ठीक है? वैकेंसी के बारे में बात करें, टोटल 819 पोस्ट निकल के आई है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में आपको NSQF लेवल 1 का कोर्स दिख जाएगा, जो NSDC से ही एफिलेटेड होना चाहिए या फिर उसके द्वारा बनाया गया होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा कोई भी आप सभी का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, तुरंत आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा NSQF लेवल सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है? अब ये कैसे बनता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, इसके बारे में मेरा एक कह सकते हो मित्र ही कह सकते हो या मेरे जान पहचान के NSDC में मेरे एक जान पहचान के हैं, जिनसे मैंने बातचीत की कि ये कैसे बनता है। तो ये दो तरह से बनता है, ये सर्टिफिकेट जो होता है ना NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट बनता है, ये दो तरह से बनता है। एक बनता है हमारा ऑनलाइन, एक हमारा बनता है ऑफलाइन। जैसे कि आप अभी हमारी वीडियो क्या देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, अब कुछ लोग मेरे यहाँ सामने बैठे हुए तो वो ऑफलाइन देख रहे हैं। अब देखिए, ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन में सभी कोर्स नहीं आते। अब आपको कौन सा कोर्स चाहिए? आप सभी को फूड प्रोडक्शन का चाहिए। और फूड प्रोडक्शन का कोर्स मतलब है कि आपने फूड को बनाना, तो ऑनलाइन आप थोड़ी सीख सकते हो, उसके लिए आप सभी को ऑफलाइन करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि NSQF लेवल का ऑनलाइन बना देंगे, हाँ बनता है, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उनका ऑनलाइन बनता है, जहां पर ऑफलाइन स्किल की कोई जरूरत नहीं है, जहां से आपके करने से किसी की जान थोड़ी चली जाएगी। मगर अगर फूड प्रोडक्शन का कोर्स अगर आपने ऑनलाइन किया, सिंपल सी बात है कि ड्राइविंग आपने ऑनलाइन सीखी है, सिंपल सी बात है, ड्राइविंग आपने ऑनलाइन सीखी, और ऑनलाइन ड्राइविंग पे आप विश्वास कर सकते हो क्या? हो सकता है कि भाई जब रियल में करना हो तब आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो सेम वैसा ही, अगर खाना अगर आपने ऑनलाइन बनाना सीखा है, जब रियल बनाना हो सकता है कि आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, सही से ना बना पाए, कुछ और डाल दिया, चाय में चीनी जगह में नमक डाल रहे हो आप सभी, तो ऑनलाइन ये कोर्स नहीं होता है। अदर कोर्सेज होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अदर कोर्सेज होते हैं, मगर ये आप सभी का जो फूड प्रोडक्शन का कोर्स होता है, ये आप सभी का केवल आप सभी का ऑफलाइन होता है। अब ऑफलाइन इसके कई सारे सेंटर बनते हैं, अब वो सेंटर पता कैसे चलेंगे आप सभी को मैं वो बता देता हूँ। उस सेंटर को पता करने के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में चले जाना, ठीक है? आप सभी कमेंट बॉक्स में चले जाना, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है? आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम से आप जुड़ जाओगे, ठीक है? जितने भी किचन सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और वहां जुड़ने के बाद मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड करूंगा, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। आप उन नंबर्स पे खुद से कॉन्टेक्ट करना और खुद से बातचीत करना कैसे बन सकता है, ठीक है? मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना, बातचीत करना कि हाँ सर कैसे मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है,
वो आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा देंगे। मैं कोई फेक वाले सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एनएचडीसी का ओरिजिनल, कोई फेक नहीं रहेगा। आपको सारी चीजें ऑफिशियल तरीके से बता रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, ऑफलाइन वाला सिस्टम रहेगा आप सभी को। तो यहां पर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, उससे आप जुड़ जाओ और सारे बच्चे जल्दी से जल्दी हो सकता है इससे जुड़ जाना। वहीं पर मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा, मैं वीडियो में नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी का पर्सनल नंबर, इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर रहा, टेलीग्राम प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद आप खुद से कॉल करना और सारी चीजें करना, देखना मैं आपको सारे कॉन्टेक्ट नंबर कर दूंगा, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा कि कैसे कैसे मैंने बातचीत की है, कैसे कैसे सर्टिफिकेट बनता है, वो सारी चीजें आपको सुना दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आप सभी बनवा लो मेरे भाई, मगर फेक मत बनवाना मेरे भाई, ठीक है। दलालों से सावधान रहना कि बहुत सारे जो लोग हैं 500 रुपए में 500 रुपए बना रहा है। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने फेक सर्टिफिकेट बनाने की मेरे पास कंप्लेन कर दी कि किसी ने फेक सर्टिफिकेट बना रहा है, तो मैं बता रहा हूँ मैं खुद कंप्लेन डाल दूंगा मैं, क्योंकि आप लोग बच्चों को मैं वो समझ रहे हो जो वीडियो मेरी देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि बहुत बच्चों को लूट लिया, बहुत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक बनवा लिया 500 रुपए में। अगर आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं साफ बोल रहा हूँ, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फेक मत बनाओ, एक साल बाद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोर्स कर ले, इस वैकेंसी को ना डाल पाए मगर आने वाली किसी वैकेंसी में डाल पाए। पता चला किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हो, किसी को फेक सर्टिफिकेट में निकाल दे रहे हो, अगर वो ब्लैकलिस्टेड हो गया ना तो जिंदगी में कभी पेपर नहीं दे पाएगा, उसकी पूरी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे 500 रुपए में 1000 रुपए में। तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो 500 रुपए 1000 रुपए में चक्कर में, ठीक है। उतना तो तुम कहीं और मजदूरी करके कमा लोगे, मैं किसी के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। इस वैकेंसी में भले ना डाल पाए, आने वाली जो वैकेंसी होंगी उसमें फॉर्म डाल पाए, मगर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। समझ रहे हो मैं किसको वार्निंग देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर होगा तो मैं खुद यहाँ पर कंप्लेन डाल दूंगा, ग्रीवांस डाल दूंगा, फिर घर से फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर काम भी नहीं कर पाओगे यूट्यूब पे। सारे यूट्यूबरों को बता रहा हूँ जो फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, वहां पर मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहां पर टेलीग्राम जुड़ जाना, मैं आपको नंबर कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।